डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। राजस्थान के विभिन्न जेलों में मोबाइल मिलने की घटना को देखते हुए अब जेल में और कड़े इंतजाम किए जाएंगे। इसके साथ ही उन जेलों को चिन्हित कर कैदियों को शिफ्ट किया जाएगा जहां पर मोबाइल नहीं मिलते, यह कहना है जेल आईजी विक्रम सिंह का। अजमेर जेल आईजी विक्रम सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अजमेर सहित अलग अलग जेलों में मोबाइल मिलने की घटनाएं सामने आ रही है। इसे देखते हुए प्रदेश के उन जेलों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अब तक मोबाइल नहीं मिले हैं, जिससे कि कैदियों का अन्य स्थानों पर संपर्क न हो और वारदातें न हो सके। साथ ही कैदियों को उन स्थानों पर शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है जहाँ मोबाइल कम मिलने की घटनाएं सामने आई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेल में जैमर लगे हैं, लेकिन अलग अलग टेक्नोलॉजी के चलते वह काम नहीं कर पाते और जिसके कारण जेल में मोबाइल काम करते हैं और इसमें जेल में बंद बंदियों के साथ साथ प्रहरी भी लिप्त था, जिन पर भी कार्यवाही का मानस बनाया गया है और उन्हें वहां से हटाकर अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। लगातार हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हार्डकोर कैदियों द्वारा रिव्यू की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी जेल उन कैदियों के लिए बनाई गई है जो सामान्य जेलों में रहने लायक नहीं है। ऐसे में समय समय पर रिव्यू कर उन्हें शिफ्ट भी किया जाता है, लेकिन कोरोना काल की वजह से इसमें थोड़ी देरी हुई है जो कि आगामी दिनों में रिव्यू किया जाएगा। कर रहे हैं वो, उसमें कारण क्या है कि ये एक ऐसी चीज़ होगी कि पहले हमारे स्टाफ जो था वो लगभग 40% के कैपेसिटी से 40% पे आ गया था, उसका खामियाजा उस समय भी हमने भुगता और अभी भी जारी है थोड़ा। लेकिन अब हमारे पास में लगभग 2900 पोस्ट में वार्डर्स में 2500 हो गए हैं, पहले 1200 ही थे। उसके बाद में अब परिवर्तन आएगा, परिवर्तन में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब हम कुछ जेलों को चिन्हित कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि राजस्थान में कुल 105 जेलें हैं, जिनमें लगभग 75 के करीब ऐसी जेलें हैं जहाँ आज तक मोबाइल नहीं मिला। तो ये कुछ जेलें, एक तो कुछ सेंट्रल जेलें हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट और कुछ सब जेलें हैं जिन पे हम केंद्रित कर रहे हैं कि उनमें कैसे इनको बंद किया जाए। तो जो भी उनमें चाहे स्टाफ की सहभागिता हो चाहे बंदियों की खुद की बदमाशी हो, तो दोनों पे हम एक साथ कंट्रोल करने वाले हैं। स्टाफ भी नहीं कर पाए, स्टाफ को कोई करे तो उसको चिन्हित करके और उसको बाहर निकाला जाए, और बंदी हैं तो बंदियों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाए। क्योंकि जब दोनों साइड से काम होगा, बंदियों पे भी एक्शन होगा और स्टाफ पे भी, तो मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी बची हुई 30 जेलें हैं वो भी धीरे धीरे मोबाइल मुक्त होने की तरफ बढ़ेगी। जैमर की अगर बात करें तो किस तरह के जैमर काम नहीं कर रहे? जैमर पूरे विश्व में कहीं काम नहीं कर रहे। ये जैमर की टेक्नोलॉजी लाने के लिए कहा गया था और जैमर हमने लगाए भी, बहुत सारी जेलों में लगाए, लेकिन एक तो जैमर की टेक्नोलॉजी जैसे 2G है तो मोबाइल 3G आ जाते हैं, जब हम 4G पे आए तो मोबाइल अब 4G में भी अपग्रेड हो गए, और उसमें भी क्या है कि वो टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस मांगती है। तो हमारे पास ऐसे तकनीकी विशेषज्ञ जेल में नहीं थे जो उनको प्रॉपर मेंटेन कर पाते, हालांकि कोशिश पूरी की गई। फिर हमने उस कंपनी को बुलाया कि ये काम कई कई जगह जेल में काम नहीं कर रहे थे, तो कंपनी ने ये कहा कि ज़्यादा लगाइए। तो फिर हमने कुछ जेलों में उनको शिफ्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन आखिर में फिर यही माना गया कि जैमर से काम नहीं होगा। जैमर की बजाय जो हमारे खुद के संसाधन हैं, जो मैं हमारे वार्डर्स हैं, जो हमारे जेलर्स हैं, जो है वो यदि मन लगा के और तेज़ी से काम करेंगे तो हमें शायद जेमर की आवश्यकता भी नहीं बैठेगी। लगातार कैदी भी जो हैं हड़ताल पर हैं, जगन गुजर भी हड़ताल पर है अभी? नहीं, देखो यहाँ थोड़ा सा क्या है, हम ICPU को भेजते हैं जो थोड़ा वहाँ जेल के लिए थोड़ा अनुशासनहीन हो जाता है। ICPU बनाई इसीलिए गई थी कि या तो कोई हैबिचुअल हो या अनुशासन में नहीं हो तो उनको यहाँ भेजा जाता है। यहाँ थोड़ी और जेलों के मुकाबले यहाँ सख्ती ज़्यादा है, तो सख्ती ज़्यादा होने पे आप जानते हो कि ये थोड़ा बहुत करते हैं। वैसे भूख हड़ताल से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रिव्यू की मांग है लगातार हैं? रिव्यू की मांग? हाँ, रिव्यू हम हर 3 महीने में करते थे, लेकिन ये कोरोना की वजह से ये मीटिंग नहीं हो पाई थी। अभी रिव्यू करेंगे और जो ठीक रहेंगे आचरण जिनका अच्छा रहेगा फिर भिजवा देंगे, फिर बदमाशी करेंगे तो जेल तैयार है। वापस